जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं मानसिंह के बारे में। गुरु जी कौन सो मानसिंह है, मारवा डालो ना ना, इम्पोर्टेंट अगर पूछा जाए महत्वपूर्ण तो जयपुर के शासक मानसिंह के बारे में प्रश्न आता है, सभी एग्जाम में आता है, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखो इसको चार भागों में बांट लिया। अगर आप ये डायग्राम बना सकते हो तो मानसिंह याद है। कैसे? मानसिंह जो है इसको गोद लिया था अकबर ने। वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है हिंदी में कि गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, दत्तक पुत्र कहलाता है। कमेंट करके बताओ, अकबर ने मानसिंह को गोद लिया तो बिन के बोलागा, बिन बोलागा दत्तक पुत्र। और अकबर ने एक उपाधि दी भाई, फरजंदगी। गुरु जी फरजंद का ही हुआ है, यो हुआ है भाया फरजंद को, मतलब यह से कि हमारे गांव में तो इन जाना कोई फरजंद ने, पर बेटा जरूर जाना है, क्योंकि अनिल कपूर की पहली फिल्म कौन सी ही बताओ जो फेमस हुई, बेटा। ठीक है, तो यहां फरजंद, फरजंद की उपाधि प्रदान की अकबर ने मानसिंह को। और मानसिंह का जन्म हुआ था, मां से ही याद रख लेना, मोजमाबाद में। कहां पर हुआ था? मोजमाबाद में। मानसिंह और अकबर की मुलाकात हुई है रतनपुर में। कहां पर हुई है? रतनपुर में। मानसिंह के पिता का नाम है भगवंत दास। क्या नाम है? भगवंत दास। भगवंत दास जो है वो अकबर के साथ सरनाल का एक युद्ध होता है इनके मध्य, गुजरात, सॉरी अकबर का युद्ध होता है सरनाल गुजरात में, उस युद्ध में भगवंत दास जाता है और उसको इसको सम्मानित किया जाता है। आपने देखा होगा कि भगवंत दास की पुत्री थी, उसका विवाह जहांगीर से हुआ, और जहांगीर और मानबाई से उत्पन्न संतान खुसरो, जिसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, उसको किस सिख गुरु के द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, जरा कमेंट करके बताइयो। खगुरु जी चार डायग्राम आंगो के मतलब, इधर पढ़ेंगे हल्दी घाटी का मैच या युद्ध, जिसे अपने बोलेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। और इधर वाला भाग है इसमें पढ़ेंगे काबुल, काबुल को बाबुल बोलोगे, यानी बाबर को बाबुल बोलोगे तो काबुल याद आएगा। बाबर फरगना का शासक था, उमर शेख मिर्जा का पुत्र था। बाबर का जो मकबरा है वो कहां पर है? काबुल। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। तो काबुल बिहार बंगाल, यहां की सूबेदारी की बात करेंगे, उत्तर पश्चिमिया उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र की बात करेंगे। यहां पढ़ेंगे शिला देवी की मूर्ति, शिला देवी की मूर्ति, ब्लू पोटरी कला, ब्लू पोटरी कला, मीनाकारी कला, मीनाकारी कला। ब्लू पोटरी कला है वो मानसिंह लेकर आया था लाहौर से। खटून ले रहे हो भाई? लाहौर, लाहौर से रावी नदी, रावी नदी के किनारे है लाहौर। और लाहौर में लठ पड़ा है लाला लाजपत राय के, जब लठ पड़े थे लाला लाजपत राय के, तभी भगत सिंह आ गया था और भगत सिंह ने सांडर्स की हत्या कर दी थी, सांडर्स की हत्या कर दी थी, और उसी लाहौर षड्यंत्र के कारण शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये चार भाग रहेंगे, इसको याद कैसे करना है? सबू पहला, जैसे अकबर ने मानसिंह को क्या बनाया? बेटा। बेटा बना दियो तो इन्हें पैसा दिया, गुरु जी किता, यानी पैसे देने का मतलब है 7000 रुपए का मनसब दिया। कितने हजार रुपए का? 7000 का मनसब मानसिंह को। मानसिंह 12 वर्ष की आयु में ही अकबर की सेवा में आ गया था, 12 वर्ष की आयु में ही। और इसको कितने हजार का मनसब है? 7000 का मनसब। गुरु जी मनसब क्या हुआ है? मनसब एक अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है भाई? अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है रैंक या श्रेणी। ठीक है, 7000 का मनसब प्रदान किया गया, अरबी भाषा का शब्द है। किसके द्वारा प्रदान किया गया है? अकबर के द्वारा। अकबर के बारे में अगर प्रश्न पूछे तो इतना ही बोलना, दो बार आया था, दो बार आया था। बाकी मैंने वीडियो पहले डाले तो आप वो देख लेना, दो बार आया था, दो बार आया था। दो बार आया, दो बार आया का मतलब क्या हुआ? 1562 में विवाह, 6 फरवरी 1562 में विवाह हुआ था अकबर का। किसके साथ हुआ था? हरकाबाई के साथ। फिर कुछ कहते हैं सर जी जोधाबाई, अरे जो जहां का होता है उसको वैसे ही बोलते हैं। जैसे अब मैं गंगानगर का हूं, मुझे बोलेंगे ओ गंगानगरिया, थे हनुमानगढ़ का ओ हनुमानगढ़िया, तो जो जोधपुर का होगा उसको जोधपुरिया बोलेंगे, उसको जयपुरिया नहीं बोल सकते।
ठीक है, जयपुर के रहने वाले को जयपुरिया शब्द से बोला जा सकता है। तो मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की जो पुत्री थी जगत गोसाई, उसको जोधाबाई कहा गया है। वो तो सिर्फ कुछ लोगों ने, इतिहासकारों ने उल्लेख कर दिया, उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन मुगल इतिहासकारों में या उस समय के समकालीन इतिहासकारों ने जोधाबाई का उल्लेख नहीं किया है। जोधाबाई मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी और जहांगीर की पत्नी थी, शाहजहां की मम्मी ही बा। ध्यान रखियो, यहां अकबर का विवाह हरकाबाई से होता है, भारमल अधीनता स्वीकार करता है। अब इस मान सिंह को 7000 का मनसब दे दिया। प्रश्न आता है, मुसलमानों में सबसे ज्यादा मनसब किसे प्राप्त था? मिर्जा अजीज कोका को। मुसलमानों में किसको प्राप्त था? मिर्जा अजीज कोका को। नोट कर लीजिए, मिर्जा अजीज कोका को। इसको कितने हजार का मनसब प्राप्त हो गया? 7000 का मनसब प्राप्त हो गया। कितने हजार का? 7000 का मनसब प्राप्त हो गया। अब आप बात करा, देखो सारी बातें बताऊंगा, फटाफट रिपीट करते जाना। देखो, अब हल्दीघाटी युद्ध की बात करें अपनी, ठीक है? तो ये यहां अपने मान लो, और राजस्थान है आप लोग, यहां है जयपुर। क्या है? जयपुर। त्रिभुज की आकृति का जिला है अजमेर। कौन सा जिला है? अजमेर। आयत की आकृति का जिला है भीलवाड़ा। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। और यहां तिलक की आकृति का जिला है राजसमंद। कौन सा जिला है भाई? राजसमंद। देखो साथियों, ध्यान देना, त्रिभुज की आकृति का जिला कौन सा है? अजमेर है। यहां पर दुर्ग है मेघजिन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मेघजिन दुर्ग। तो भीलवाड़ा में मांडलगढ़ दुर्ग, यहां कौन सा दुर्ग? मांडलगढ़ दुर्ग। और यहां राजसमंद में कौन सा स्थान? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का जो स्थान है, इधर है खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां, और इधर है गोगुंदा की पहाड़ियां। दिख रहा है ना आपको? टेक्निकल टीम ध्यान दे थोड़ा, गोगुंदा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? गोगुंदा की पहाड़ियां है। अब मैं बात कर रहा हूं, यहां मानसिंह को भेजा गया महाराणा प्रताप के पास संधि प्रस्तावक बनाकर। जमा भाटो थाने याद है? जमा भाटो। तो दूसरा संधि प्रस्तावक बनाकर किसे भेजा गया था महाराणा प्रताप के खिलाफ? मानसिंह को। चेतक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में आता था, आपको सुनाई हुई है ना वो कविता कि 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे, घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था, उस मेवाड़ी के आगे अकबर पानी पानी था, घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था, उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था, ठीक है? राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था, मरते दम तक नहीं झुका, वो सूर्यवंशी तेवर था। तो उसी महाराणा को ये जब जाता है मानसिंह, तो अमर सिंह के साथ मुलाकात हुआ है, बातें कहीं सुनड़ी होसी थारी, ठीक है? तो कहते हैं कि वहां पर कुछ अनबन हो जाती है, तो मानसिंह आवे तो बैठे एक सेनापति हुए, वो बोला है तू जा रहे तो है सागर, तेरा फूफा ने और लिया, देख लिया ना तन, मेवाड़ है वो, ठीक है? मेवाड़ का इतिहास पता है आपको, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो अधीनता आप कछुआ वंशी राजपूत स्वीकार करते हैं, लेकिन हम मेवाड़ वंशी राजपूत ना तो अपनी बहन बेटियों का विवाह करते हैं, ना हम अधीनता स्वीकार करते हैं, ऐसा कहकर इसको वहां से निकाल दिया जाता है। आप किताबों में देखो, दंत कथा है, पेपर में ज्यादा कौन पूछी जाए। तो मानसिंह आता है, अकबर को बोलता है कि हल्दी घाटी पर जब भी, मेवाड़ पर जब भी अगर आक्रमण करने का मौका मिलता है, तो आक्रमण कौन करने जाएगा? अपुन जाएगा। अपुन जाएगा, मानसिंह ने बोला। तो अकबर का भाई तू चलो जा। तो ये वहां से मर्दाना हाथी पर सवार होकर, मर्दाना हाथी पर सवार होकर चला आता है हल्दी घाटी का युद्ध खेलने के लिए। 18 जून 1576 को युद्ध होना था, लेकिन आपको एक क्रिकेट मैच की तरह याद करवाता हूं। अकबर की टीम आई कौन से होटल में रुकी? जयपुर के मानसिंह होटल में। मानसिंह होटल में रुकी, मानसिंह होटल यहां से अजमेर नजदीक पड़ता था, तो घूमने के लिए टीम चली गई मेघजिन दुर्ग में। मेघजिन दुर्ग में क्रिकेट की टीम जब भी आती है, कहीं होटल में रुकती है, फिर कहीं जाएगी, और मैच से पहले वो रणनीति बनाती है। तो मेघजिन दुर्ग में व्यूह रचना क्या बनाई गई? व्यूह रचना, जिसे रणनीति भी कह सकते हैं। मांडलगढ़ दुर्ग, यहां पर, यहां क्या होता है मांडलगढ़ दुर्ग में? यहां सैनिकों को प्रशिक्षण, सैनिकों को प्रशिक्षण, सैनिकों को, वीडियो शेयर कर दो सभी को, ताकि सभी लोग अपने साथ जुड़ जाए। सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया। सैनिकों को प्रशिक्षण कौन से दुर्ग में दिया गया है भाई? मांडलगढ़ दुर्ग में दिया गया है। उसके बाद में यहां मैदान में आते हैं। 18 जून 1576 का वो दिन था, लेकिन थे याद कर लियो कि बरसात
आगी थी और अंपायर था वहां पर गोपीनाथ शर्मा। हल्दी घाटी में यह अंपायर कौन था? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो है इसने कहा कि मैच आज नहीं होगा, मैच होगा 21 जून को। तो प्रश्न पूछा जाता है किस इतिहासकार के कारण यह कहा गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून को हुआ। अब प्रश्न बहुत से आते हैं यहां से, तो जैसे खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था, गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी ने कहा था, इस हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? मुंतखाव उल तवारीख। मुंतखाव उल तवारीख। प्रश्न बहुत सारे आते हैं भाई। इसको मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, रक्तलाई का युद्ध है ये, हाथियों का युद्ध कहलाता है, खमनोर का युद्ध कहलाता है, हल्दी घाटी का युद्ध कहलाता है, गोगुंदा का युद्ध कहलाता है। प्रश्न से बहुत प्रश्न बनेंगे, लेकिन वो सारी बातें अपने पढ़ेंगे। इधर से जब महाराणा प्रताप ने चेतक पर सवार होकर भाले से वार किया था और वहां पर मान सिंह का महावत जो है वो जाकर धोंदे में, वो तो महावत तो मरा जाता है और मानसिक एक होंदे में जाकर छिप जाता है, ऐसी कहानी आपने पढ़ी होगी। फिर उस हाथी के जो सूंड में जो चाकू लगा होता था वो चेतक के पांव में लग जाता है, पिछले पांव में, और उसके बाद वो घायल हो जाता है। तभी तो कहते हैं सुख दुख रो साथी चेतक रो, सूती सी हुण जगा जावे, जब याद करूं हल्दी घाटी ने नैना में रक्त उतर आवे। वह बात अठवीं लागू हुआ है दोस्तों, ठीक है। हल्दी घाटी महोत्सव राजसमंद में मनाया जाता है, प्रताप जयंती राजसमंद में मनाई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को प्रताप जयंती आती है, सारी बातें अपने पढ़ेंगे। लेकिन आज मानसिंह चाल है। अब बेटा बनाया, 7000 रुपया दिया, थाने भी जहाँ पढ़ाई करने वास्ते पैसा दे, पेपर करने जाओ और पेपर में फेल हो जाओ तो घर का भी तो रिस्पॉन्स कौन दिया पहला जी। तो सेम वही चीज, मनसबदारी छीन ली गई, क्या बना दिया गया? सूबेदार। लेकिन प्रश्न आता है मानसिंह सबसे पहले किस अभियान पर गया था? और रणथंभौर अभियान पर गया था, और रणथंभौर में कुण ओगुरु जी सुरजनहाड़ा, और रणथंभौर कहां पर है? सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश दरवाजा जो है नौलखा दरवाजा कहलाता है, हमीर की जो छतरी यहीं पर बनी हुई है जिसे न्याय की छतरी कहते हैं, त्रिनेत्र गणेश मंदिर बना हुआ है यहीं पर, बना हुआ है सुपारी महल, बना हुआ है जोगी महल, बना हुआ है, ठीक है। यहाँ रणथंभौर की बात करते हैं, एशिया में बाघों का घर कहलाता है रणथंभौर। हमीर देव चौहान जब यहाँ पर शासन कर रहे थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर का साका हुआ था। हमीर देव की पत्नी ने यहाँ पर केसरिया किया था, पुत्री ने केसरिया जोहर किया था, और हमीर देव चौहान ने केसरिया किया था, रणमल व रतिपाल ने विश्वासघात किया था, और रणथंभौर दुर्ग पर एक आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, और उसने कहा था कि एक मतलब कि ऐसे 100 दुर्ग में मुसलमान के एक बाल बराबर समझता हूँ, वो रणथंभौर दुर्ग की बात कर रहा हूँ। अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे हमीर देव चौहान ने, 16 जीते थे, एक युद्ध हारा था, 11 जुलाई 1301 को हारा था। एक नंबर की बात कहता है अमीर खुसरो कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर, वो रणथंभौर है। यहाँ पर सुरजनहाड़ा थे जब अकबर के साथ पहली बार मानसिंह अभियान पर गया था 1569 ईस्वी में। ये सारी बातें स्लो करके सुन लियो, ठीक है। फिर अपने बात करें बंगाल में किसका दमन करता है, बंगाल में और बिहार में और काबुल में। बंगाल 1594 ईस्वी, बिहार 1594 से 1587, और ये 1587 से 1581। तो पहला खटेगी हो काबुल, फिर बिहार, फिर बंगाल, यानी इस क्रम से, ठीक है। बंगाल में रहते हुए अकबर नगर बसाया, अकबर नगर बसाया। बिहार में रहते हुए मानपुर नगर बसाया, मानपुर नगर। बंगाल का 3 बार सूबेदार बना था, 3 बार सूबेदार, फिर इन कई वन भूमि सीमा भूमि ऐसे बांट भी दिया था इसको, 3 बार सूबेदार बना था। काबुल में विजय प्राप्त की तो इसे सिंध प्रदेश का सूबेदार बनाया, सिंध प्रदेश का सूबेदार, सिंध प्रदेश का सूबेदार। और उत्तरी पश्चिमी प्रांत की बात करें, उत्तरी पश्चिमी सीमा की बात करें, तो यहाँ पर ये हाकिम मिर्ज़ा का दमन करता है, हाकिम मिर्ज़ा। सबसे पहले अकबर यहाँ पर यूसुफ खां को भेजता है, यूसुफ खां को, लेकिन यूसुफ खां की पार कौन पड़ी हटे, तो अकबर किने भेजे, मान सिंह ने, ठीक है। बंगाल वाला अभी ध्यान में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके बताना, अगर किसी विद्यार्थी ने पढ़ा है तो वो बता सकता है कि हाँ उसका दमन किया था, मुझे आशा है आप लोगों से उम्मीद है, ठीक है। तो आप बात अठेगी होगी, बिंग बाद में पढ़ना आगे की बात। अकबर नगर है उसको राजमहल भी कहते हैं, टेक्निकल टीम टाइम बताए जरा। अब यहां इस कॉलम की बात होगी, इसकी बात होगी, इसकी बात होगी, ओ बच्चियों गुरुजी बस बिल्कुल देखो,
शीला देवी की मूर्ति, शीला देवी की मूर्ति। जलेब चौक आमेर में है, आमेर दुर्ग में है। आ मूर्ति आई खटू, ये मूर्ति मानसिंह लेकर आया था राजा केदार को हराकर। राजा केदार कहां के थे? पूर्वी बंगाल के। किस स्थान से लेकर आया था मूर्ति? जैसोर नामक स्थान से, जैसोर नामक स्थान से, जैसोर नामक स्थान से लेकर आया था। और जैसोर नामक स्थान से लेकर आया था, पूर्वी बंगाल के शासक है, जैसोर नामक स्थान से लेकर आया था। और वर्तमान में जैसोर कहां पर है? बांग्लादेश में है। वर्तमान में कहां पर है? बांग्लादेश में है। आ चीज ध्यान रखियो, आ 1604 की घटना है। लेकिन 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो जहांगीर ने कदे दक्षिण में सूबेदार बना दिया, कदे खट्टे भेज दिया, वो कह भाई मेरी पार कौन पड़े। उसके बाद में ये सोचता है कि मैं अपना आपको अस्तित्व स्थापित करूं वापस। मेरे को इतना उच्च मनसब था, राजपूतों में सर्वाधिक मनसब था, लोग मैंने कहा भूल जाएगा तो मैं कुछ इसो काम कर जाऊँ कि मैंने याद करे। तो इसने क्या किया, 1604 के बाद की बात बता दूं, पहले आमेर में 1592 ईस्वी में आमेर के महलों का निर्माण इसी ने करवाया था, आमेर के महलों का निर्माण, ठीक है। और ये कौन सी कला लेकर आया था? ब्लू पोटरी कला। इसका जादूगर किसे कहा जाता है? कमेंट करो। मीनाकारी कला, मीनाकारी कला का जादूगर कुदरत सिंह, कुदरत सिंह। ब्लू पोटरी कला का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत जो है वो मऊ गांव सीकर का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? मऊ गांव सीकर का। इसके जो गुरु थे भूर सिंह शेखावत, उनको कौन सा चितेरा कहा जाता है? कमेंट करके बताइए फटाफट। कृपाल सिंह शेखावत ने 25 प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया था ब्लू पोटरी कला के अंदर। ये दो कला की बात आ गई यहां पर, ये कहां से लाई गई है? दोनों ही लाहौर से लाई गई कला है। कहां से? लाहौर से। अकबर पर्शिया ईरान से लेकर आया था, लाहौर उकुंड ले रहे हो, मान सिंह खटलिया हो आमेर के अंदर। और इस ब्लू पोटरी कला का स्वर्ण काल अगर पूछा जाए ब्लू पोटरी कला का, तो राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय। क्योंकि इसके समय दो काड़ू नामक एक चित्रकार था, उसको भोला ब्राह्मण दिल्ली के, दिल्ली भेजा गया था भोला ब्राह्मण के पास में, कथे बठुआ चित्रकला सीख रहा हो, ठीक है। ध्यान रखियो इस चीज को, स्क्रीनशॉट ले लियो, चलो बढ़िया है। देखो और बात करा आगे, एक चीज और बता रहा हूं मैं कि जब ये बिहार में थे तब इनके पिता की मृत्यु होती है 1589 ईस्वी में, भगवंत दास की, भगवंत दास की। और यही बिहार में इनका पहला राज्याभिषेक होता है और दूसरा राज्याभिषेक आमेर में होता है। दूसरा राज्याभिषेक कहां पर होता है? आमेर में। एक और, जब ये बंगाल में थे तब इनके तीन पुत्र सुरजन सिंह, हिम्मत सिंह और जगत सिंह, जगत सिंह, इन तीनों की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। तो इसी जगत सिंह की याद में पत्नी कनकावती ने, कनकावती ने, कनकावती ने एक मंदिर बनवाया था, उसका नाम है, कमेंट कर दो फटाफट, मैं मंदिर बना लेता हूं, इतने थोड़ा तेज ही बनाऊंगा। एक मंदिर मानसिंह ने भी बनवाया है, मानसिंह ने जो मंदिर बनवाया है, इतने कमेंट करके बताओ कौन सा बनाया हो, बीमकिंग मूर्ति लागेड़ी ही, खटे लागेड़ी ही, सारी चीज बताओ। मानसिंह ने बनवाया था वृंदावन में, कौन सा? गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था, जो गौड़ीय संप्रदाय का है। जयपुर में जो गोविंद देव जी है उनका जो मंदिर बनाया गया है वो स्वाई जयसिंह ने बनाया है। जयपुर के कछवा वंश की कुल देवी जमवाई माता है, आराध्य देवी शिला देवी है। चैत्र व आश्विन नवरात्रों को मेला भरता है, ढाई पहले शराब चढ़ाई जाती है, वो शिला देवी के लिए। आमेर दुर्ग में जिए थे, प्रवेश करोगा जहां टिकट लेते हैं अपने, उसके इधर की तरफ आप जाओगे, सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं, जब दीवाने आम, दीवाने खास, फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा गणेश पोल को बताया था, शीश महल जिसे कवि बिहारी ने दर्पण धाम कहा है, उसके ऊपर जब अपने सारी चीजें देखते हैं, जब चढ़ाई करते हैं ना, उसके नीचे की तरफ उधर बना हुआ है शिला देवी का मंदिर, ठीक है। तो यहां ये मंदिर है, ये बनाया था इनकी पत्नी ने, इसका नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया है? कनकावती ने बनाया है। जगत शिरोमणि मंदिर में किसकी पूजा होती है?
श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण के कौन से रूप की, काले रंग की प्रतिमा की, काले रंग की प्रतिमा की। और इस प्रतिमा की जो पूजा है वो कौन करती थी, मीराबाई। कौन करती थी, मीराबाई। कहाँ करती थी, चित्तौड़ दुर्ग में। और उसी मूर्ति को यहाँ लगा दिया गया चित्तौड़ दुर्ग में। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, माधुर्य भाव की भक्ति थी। और दास दासी संप्रदाय मीराबाई के द्वारा चलाया गया है। मेड़ता के अंदर उनका जन्म कहाँ पर हुआ बताना, कुड़की गांव पाली में हुआ है। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव पाली में हुआ है। और राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ था। राव रतन सिंह राठौड़ की जो पुत्री थी, राव दुद्दा की वो पोत्री थी। ठीक है, सारी बात होगी। और बात करा इनके दरबार में एक दरबारी कवि था, पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल, एक ओम मुरारीदान, मुरारी दान। और एक था जगन्नाथ, जगन्नाथ मानसिंह कीर्ति मुक्तावली आ रचना कण करी जगन्नाथ। मुरारी दान मान प्रकाश, ठीक है। पुंडरीक विठल राग मंजरी, राग चंद्रोदय, चंद्रो दे। और राग मंजरी, राग चंद्रोदय, इसके अलावा नर्तन नृत्य, ठीक है। और एक और है, राग मंजरी है, राग चंद्रोदय है, बाकी नोट कर लियो थे। आज के वीडियो की बात ही सारी चीज़ थाने में बताने की कोशिश करी, एक बार रिपीट कर दूँ फटाफट, सारी चीज़ें थाने समझ में आ जाएगी, भिंग बाद में आप आराम इन्हें नोट कर लेंगे। और भी अगर जानकारी अगर दिमाग में आई तो मैं आप लोगों को सारी बता दूंगा। तो बात करते हैं, टेक्निकल टीम टाइम बताइए ज़रा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मानसिंह के बारे में, ध्यान से सुनना एक बात, जैसे जैसे कह रहा हूँ बस उसी प्रकार से सुनते रहना। मानसिंह जो है वो 1589 से 1614 के बीच में शासन करते हैं, 1589 से 1614। अकबर का दत्तक पुत्र, फर्जंद बेटा, 7000 की मनसबदारी, 12 वर्ष की आयु, मोजमाबाद में जन्म हुआ था, रतनपुर में मुलाकात हुई थी, हल्दी घाटी के युद्ध में सेनापति बनाकर भेजा था, दूसरा संधि प्रस्तावक बनाकर भेजा गया था 1573 ईस्वी के अंदर। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में होता है, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध, इधर खमनौर की पहाड़ियां, इधर गोगुंदा की पहाड़ियां। खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है, तो गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च, इधर बनास इधर बेड़च, गोगुंदा गंदा बंदा है तो दंगा होता है, गंदा बंदा है तो दंगा होता है, गंदा बंदा, गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी ने कहा था, तो खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है, अबुल फजल ने कहा है खमनौर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी ने कहा है। बंदायूनी ने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था, वो इतिहासकार ही इस हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन करता है कि यह मुंतखाबुल तवारिक में लिखा गया है। और जब मुगल सेना को पीछे धकेल दिया था महाराणा प्रताप की सेना ने, तभी एक मेहतर खां आ गया था और उसने कहा था कि अकबर तो सेना ले रहा, झूठी अफवाह फैला दिया, काम ही बांगन हुई हो, ठीक है। बिंग कारण थोड़ा सा ये घबरा गया, बाकी पीछे नहीं हटे थे। अंतिम सांस तक महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो तो दुर्भाग्य का उस दिन था कि वो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त वो सीने में लगा और वो इस संसार को छोड़कर चले गए। वरना ऐसा इंसान कल्पना ही कर सकते हैं, आप कल्पना ही करा, बाकी सोचने को तो देखो ते सोच सको किए हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, बाकी मानसिंह के बारे में बता दिया कि काबुल में रहा, बंगाल में, बिहार में, उत्तर पश्चिमी मिर्जा हाकिम की बात करते हैं, पहले यूसुफ खां को भेजा गया था वहाँ पर, उसके बाद मानसिंह जाता है, काबुल को विजय प्राप्त करता है तो सिंध प्रदेश का सूबेदार बनाया जाता है। बिहार बंगाल के अंदर पिछले 1500 आपको सन पूरा पूरा मैंने बता ही दिया है, 1594, उसके बाद में 1587 से, मतलब 1594 से 1587, फिर 1587 से ही हो जाता है। इनकी मृत्यु का दो ही आ बात रहेगी, देखो आई बात में थाने बोलो लास्ट तक सुनोगा तो 1614 में हुई मृत्यु, खटोई एलिचपुर अहमदनगर महाराष्ट्र में, क्योंकि हर चीज़ हर समय में याद आ जाए ये मुमकिन नहीं। हाँ, अगर हम ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो फिर नज़ारा ही कुछ और रहता है, सामने आपसे रूबरू होने का मौका मिलता है। तो साथियों
इसकी जो पत्नी थी कनकावती, उन्होंने जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया था। वहां काले रंग की प्रतिमा जिसकी पूजा मीराबाई करती थी, चित्तौड़गढ़ में करती थी। कुमश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में, मेरा मंदिर ठीक है वहां पर बात करते हैं। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ या कहानियां बहुत था, सुना तो रहूंगा, टाइम खो गया लेकिन जाऊं मैं थे। राम राम सगला, ध्यान रख जो, हमारा चैनल ने सपोर्ट कीजिए और सबने शेयर कर जो थे। ठीक है, जय हिंद।